तो मैं दिखाती हूँ, ये बॉक्स मैंने लिटिल के लिए सेट कर रखा है। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे, हम लोग का मॉर्निंग का फ्लाइट है, हम लोग दोपहर में मतलब पहुँचते पहुँचते इवनिंग टाइम हो जाएगा। आपको लिटिल के लिए जो मैंने स्पेशल ड्रेस ली है वो दिखाती हूँ, वो अभी लिटिल को भी नहीं पता है ना। एग्जॉटिक एग्जॉटिक ट्रिप पे जा रहे हैं एंड दैट एग्जॉटिक डेस्टिनेशन इज गाइस। तो जैसे कि हम लोग ने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग एक एग्जॉटिक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो शॉर्ट ट्रिप है, मतलब कि 4 डेज के लिए। तो आपको पता है वो सीक्रेट जिसको कल हम लोग रिवील करने वाले थे, और वो एग्जॉटिक डेस्टिनेशन है मालदीव्स। माई गॉड, माई ड्रीम डेस्टिनेशन। ड्रीम डेस्टिनेशन और भी है, लेकिन उसका मालदीव्स का जो इफेक्ट्स है ना, वो दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो वी आर सो फॉर्चुनेट टू गो फॉर दिस ट्रिप। और छोटी सी ट्रिप है, 2 सूटकेस होंगे जिसमें हम लोग कैसे रखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ही ये हम लोग के एक्वा शूज़, लास्ट टाइम हम लोग ने सिर्फ बताया था, आपको इस बार दिखा भी देते हैं। दिस इज़ आर एक्वा शूज़। तो अभी मुझे याद आया कि मुझे लिटरली भी एक्वा शूज़ रखने हैं, क्योंकि उसका पूरा सामान हम ही लोगों के पास रहता है। तो दीज आर द लॉन्ड्री बैग्स, तो इसी में हम लोग रखते हैं उसको, वॉश करके ये जाएगा हम लोग के सूटकेस में। तो अभी मालदीव्स जा रहे हैं, तो वहाँ के थीम को तो कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको देखिए आपको क्या लगता है, द ब्लू वाटर ऑफ मालदीव्स, दिस एक्वा ब्लू, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन दिस फ्रॉम गुड गुडीज, ए स्मॉल टिनी टिनी ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें मैंने अपने कुछ पीसेज ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। देखिए तो मैं दिखाती हूँ, ये बॉक्स मैंने लिटिल के लिए सेट कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पर्ल के इयर रिंग्स, जो बीच और कॉस्ट्यूम वेयर पे ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुछ ट्रेंडी डे टाइम के लिए। ये है स्टड्स, एक्चुअली ये आहा ने लिया था बैंकॉक से उसके लिए ये, बट ये मेरे ही पास रह गया, तो मैंने कहा अभी लिटिल के लिए रख लेते हैं। ये एक और भी स्मॉल से स्टड्स हैं, हल्के फुल्के। और ये हम लोग ने हाल में ही दुर्गा पूजा से लिया था, मैंने बोला था ना मैं लूँगी तो ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए होगा। इट इज़ मल्टी कलर, और ये वाटरप्रूफ है, पेपर हैंडमेड है ये, इसमें पेपर भी यूज़ हुआ है। और इसके अलावा एक और है मल्टी कलर, दिस वन, ये भी कॉस्ट्यूम्स पे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो है लिटिल का पैक, और ये बॉक्स है मेरा, मतलब हम दोनों का कंबाइंड। एक्चुअली क्या है, इतने ट्रेंडी लेने का रीज़न ये है कि इतनी ट्रेंडी ड्रेसेस होंगी कि वी हैव टू मैच इट एंड वी हैव टू इन्जॉय इन द फुलेस्ट मैनर, सो दैट्स वाई। अभी मैं इसमें दिखाती हूँ आपको क्या है। ओके, मैं एक बात बताऊंगी, मैंने एक्सेसराइज से लिया था ये ब्रेसलेट का सेट, तो ये इधर इसमें टोटल 9 पीसेज हैं, और ये इधर उधर ना हो तो मैं इसको एक ब्रेसलेट में ही रखती हूँ। ये देखिए, तो इन सबको ना अलग से भी पहन सकते हैं, है ना कितने प्यारे। और इसको सेफली रखने के लिए, जिससे ये कहीं पे इधर उधर ना हो, इसको ना मैं ब्रेसलेट में ही रखती हूँ। आप भी इसी तरीके से अपना कोई डिटैचबल जो ब्रेसलेट हो उसमें अपने इस तरीके से, जो मल्टी ब्रेसलेट्स होते हैं ना इस तरीके के चाइम्स वाले, उसको अलग से रख सकते हैं। नेक्स्ट इज माई अनदर ब्रेसलेट, दैट इज फ्रॉम पैंटलूंस, और इसको भी मैंने बैंड में सेट करके रखा था। ये देखिए ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर की कॉस्ट्यूम पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें भी टोटल 7 और 8 9 है। ऐसा मैंने एक पीच कलर का भी लिया था, बट मैंने वो रंजीता दीदी को दे दिया। इसको भी सेट रखने के लिए ये देखिए हैक, एक बैंड लीजिए और इसको बस यहाँ से अंदर ला के ये से ये हटेगा नहीं। तो ये हो गए हम लोग के ब्रेसलेट। दिस इज नेक्स्ट, ये मैंने लिया था H&M से, इट्स वेरी ट्रेंडी, जो कि हम लोग के किसी भी आउटफिट पे जाएगा। और ये आपको पता है, याद है आपको, वियतनाम से लिया था मैंने, पहना भी था इसको। एंड इसके अलावा ये भी हम लोग ने वियतनाम से लिया था, क्योंकि ये मैं कॉन्ट्रास्ट करके पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि रस्ट कलर पे रस्ट कलर, इससे कुछ और कलर का ड्रेस पहन के तभी इस पे पहनेंगे। एंड अगेन ये मेरे बहुत प्यारे से हूप्स, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेसेस पे, ये इट लुक्स अमेजिंग। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरे पास ये जो हूप्स है ना, सो ये रहे हम लोगों के गोल्डन मीडियम साइज, ये रहा सिल्वर मीडियम साइज, दिस इज कॉपर अगेन मीडियम साइज, दिस इज सिल्वर मीडियम साइज। ये मैंने लिए थे H&M, और ये बैंकॉक से हम लोग ने लिया था। एंड ये H&M का स्पेशल द बिगेस्ट वन, इट्स सुपर ऑन द वेस्टर्न आउटफिट, एवरी गर्ल के कलेक्शन में ये वाले इयररिंग्स तो जरूर होने चाहिए। तो ये हुआ पैक, और ये सीए जाएगा हमारे सूटकेस में।
दिस इज फॉर माई स्किन केयर। मेकअप का सामान आपको हमेशा पता है ना, मैं हमेशा लास्ट में रखती हूँ, जिस दिन हम लोग को जाना होगा उसके एक दिन पहले। और इस बार मैंने सिर्फ 5 days के अकॉर्डिंगली लिया है, हम लोग को ज्यादा सूटकेस का वेट नहीं बढ़ाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको बताना चाहूंगी, मैं 5 days बोल रही हूँ, ये 5 days 4 nights है, तो उसकी अकॉर्डिंगली ही मैंने सब पैकिंग किया है। तो लेट्स ओपन दिस। ये पाउच मैंने जिंजर लाइफ स्टाइल से लिया था, ये बहुत फ्लेक्सीबल है, सब बहुत सामान आ जाता है। ये वैसलीन था, ये मॉइस्चराइजर का भी वर्क करता है और ब्राइटनिंग का भी वर्क करता है। अभी मैंने इसका पैक ओपन भी नहीं किया है, तो आई विल यूज दिस। दिस इज लैक्मे मेक इट टू लास्ट। मेकअप करने के बाद एक ये स्प्रे करिए एंड आपका मेकअप जब तक आप खुद नहीं हटाएंगे तब तक आपके स्किन से लगा रहेगा। इट्स अ वाटर प्रूफ। एंड ये मैंने गुड गुडीज से लिया था, इसमें देखिए हर कलर के बैंड्स हैं। और गाइज ये मैंने गुड गुडीज से लिया था, मल्टी बैंड्स का एक पैकेट, इसमें सारे कलर्स हैं, आप अपने आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं। मैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, तो इट्स वेरी यूजफुल। तो गाइज जो हम लोग का ट्रैवलिंग रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है, उसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे कल, एंड आई एम श्योर कि आप उसको बहुत लाइक करेंगे। आप लाइक करिएगा, वो आपके सूटकेस के वेट को लाइट करेगा। लेट्स डिहाइड्रेट। बैंकॉक से आने के बाद ये एक नया हैबिट है मेरा। जो लोग भी बैंकॉक अगर गए होंगे आपने नोटिस किया होगा, और आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे भी एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट डिहाइड्रेटेड, तो वहाँ सबके हाथ में ये रहता है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा आइस यूज करते हैं। तो आई एम सिंपली टेकिंग अ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, सो यू नो इंस्पिरेशन। तो अभी करते हैं कंटिन्यू। ये स्क्रब हम लोग ने बाली से लिया था, मैंने पहले की भी अपनी ट्रैवल प्लान में आपको दिखाया है, हर ट्रैवल में ले जा रहे हैं फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अर्थ रिदम का ये बाम है, एक्चुअली क्लेंजिंग बाम, सो नाइस। अगर क्लेंजिंग बाम ना हो और आपके पास कोकोनट ऑयल हो, सो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग टू रिमूव योर मेकअप, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग का पाउच है इसमें सिर्फ स्किन केयर है, ये स्ट्रिप्स हैं, ये ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो ये बहुत ही, अगर स्वेटिंग भी हो ना तो आप इसको बस फेस पे टैप करोगे तो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स्ट्रा ऑयल। ये है स्किन मसाज क्यूपेंट्स, तो ये मुझे लैक्मे से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था मेरी शॉपिंग करने के बाद। वैसे हम लोग को परफ्यूम का बहुत शौक है और हम लोग अलग अलग परफ्यूम लाते हैं, लेकिन ये जूडियो से जस्ट मुझे उसका पैक पसंद आया था इसलिए मैंने ले लिया था। इट इज़ वेरी रीजनेबल ऑल्सो एंड इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। ये कुछ स्पॉन्ज आपके मेकअप को ब्लेंड करने के लिए, एंड ये भी स्क्रब, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो बहुत टैनिंग होती है तो उस वक्त शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तो स्किन केयर का बस इतना ही है, अभी मुझे इसमें रखना है सनस्क्रीन लोशन, तो मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये गया सूटकेस में, लेट्स स्टार्ट फॉर आवर क्लोथ्स पैकिंग। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे, हम लोग का मॉर्निंग का फ्लाइट है, हम लोग दोपहर में मतलब पहुँचते इवनिंग टाइम हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 PM। तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर रेडी होके हम लोग कुछ इवनिंग गाउन टाइप का पहनेंगे। अभी मैं आपको लिटिल के लिए जो मैंने स्पेशल ड्रेस ली है वो दिखाती हूँ, वो अभी लिटिल को भी नहीं पता। सी दिस, है ना एग्जॉटिक, एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल ऑल्सो। मैंने इसको बहुत पहले ही लिया था और अपनी बीच वेकेशन के लिए ही लिया था, तो लाइक दैट फ्लावर प्रिंट ट्यूब ड्रेस, ये मेरी ड्रेस है फिलहाल, तो ये भी अभी रखेंगे। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप बीच लोकेशन के लिए प्लान करते हो ना, तो आपके कलेक्शन में वाइट, एक्वा ब्लू और कुछ येलो और ब्राइट कलर ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज पिक्स बहुत अच्छी आती है पानी के पास, और जो सैंड होती है उसके पास वंडरफुल पिक्स आएंगी। एंड दिस इज़ माई कॉस्ट्यूम स्पेशली, अब मैं देखूंगी कि मैं जिस दिन वहाँ पे जा रही हूँ मैं उस दिन पहन रही हूँ ना नेक्स्ट डे, बट इट इज़ सो नाइस। एंड यू नो वॉट, बहुत सिंपल है, इसके संग मैं पहनूंगी शॉर्ट और एक ऊपर से शर्ट डालूंगी और बीच पे पहुँचते ही बस कॉस्ट्यूम। तो ये मैच कर रही है ना वाटर कलर से भी और सैंड कलर से भी, तो आई नो कि पिक्चर्स एंड रील्स विल बी वंडरफुल। 4 nights के लिए, यानी टोटल जितने भी डे हम लोग रुक रहे हैं ना, 5 days, मैंने अपने लिए 3 costumes रखे हैं। वैसे तो 5 costumes रखे लेकिन आई नो कि 3 तो यूज़ होंगे ही होंगे। ये बीच फोटोशूट के लिए है, मतलब कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह भी होंगे ना, तो इस पर मस्त शॉट आएंगे। और मैंने कुछ शॉट्स के लिए पिंट्रस्ट भी देखा था, आप चाहें तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वैसे हम लोग की भी फोटोज़ बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो हम लोग के इंस्टा को चेक कर सकते हैं। गाइस आपको पता है हम लोग ने इंस्टा पे पहले ही चेक किया था कि मालदीव्स में सैंड बैंक है, तो उसमें क्या होता है, दोनों ओर से बीचेस की जो लहरें वो आएंगी एंड यू हैव टू वॉक इन बिटवीन। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे कॉस्ट्यूम के अलावा इफ़ यू आर गोइंग टू वेयर द फ्लोरल गाउन,
अमेजिंग लगेगा, मस्त पिक आएंगी। तो मैं इसी को प्लान करके, एक तो मैंने ये स्पेशल कॉस्ट्यूम रखा है और कुछ अपनी ड्रेसेस जो मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज अ सैटिन गाउन फॉर लिटिल, आपने ये नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने दिखाया भी नहीं था। इट इज़ ट्यूब गाउन, इस तरीके से आएगा, मस्त है ना। सो दिस इज ऑल्सो फॉर लिटिल, दिस इज अनदर ट्रेंडी बिकनी फ्रॉम सवाना, दिस इज ऑल्सो फॉर लिटिल। सो यू रिमेंबर कि हम लोग ने वियतनाम जाते समय कुछ कलेक्शन लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली वो शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर ट्रिप। तो अभी फॉर्चुनेटली वो हम लोग के संग जा रही है, तो हम लोग और भी ड्रेसेस जो हम लोग ने तब लिया था एक्सप्लोर करेंगे। दीज आर दी शॉर्ट्स, ये भी लिटिल का है। तो दिस इज कम्प्लीट सेट, दिस इज आई गॉट फ्रॉम H&M। मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ पे किसी इवनिंग में पहनूंगी। ये स्कर्ट है एंड सेम इसी पैटर्न का मैंने एक H&M से ही स्लिंग बैग भी लिया था, सेम टू सेम। एंड ये टॉप मैंने मिंत्रा से लिया था, इस स्कर्ट के संग ट्यूब टॉप, ये फ्रिंजेस वाला टॉप है। तो पूरा सिल्वर टू सिल्वर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा इसके संग स्टाइल कर लेंगे तो ये मिक्स एंड मैच लगेगा। वो कबीलों वाली स्कर्ट होती है ना, वैसा लग रहा है ये। तो इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है जिससे इसके फ्रिंजेस जो हैं वो एकदम ही डिस्टर्ब ना हो, तो वो मैं कर लूँगी। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, और अभी ये पैकिंग ख़त्म नहीं हुई है, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पैकिंग स्टिल करनी है। तो और वो जो अनबॉक्सिंग करनी है उसके लिए तो प्लीज़ यू स्टे ट्यून्ड। मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा हम लोग का ये सेशन ट्रैवल पैकिंग का। मुझे बहुत ही, आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड, और मैंने बताया था कि मेरी पैकिंग सेम डे नहीं होती है, मैं थोड़ा थोड़ा करके अरेंज करती जाती हूँ। इनफैक्ट हम लोग के घर में 5 सूटकेस हैं, जिसमें जो बाली में हम लोगों ने कपड़े पहने थे वो बाली सूटकेस अलग है, उसके अलावा अंडमान वाला अलग है, बैंकॉक वाला भी अलग है, वियतनाम का भी अभी अलग है, और ये मैं मालदीव का क्रिएट कर रही हूँ। तो आई डोंट नो कितने सूटकेस और ऐड होंगे। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।